इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर, आज क्लास टेंथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें आप ध्यान देंगे, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इन सब के बारे में एक बार देख लीजिए। सबसे पहला होता है आपका प्राकृतिक संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याएँ जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। देख लीजिए, एक से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे आपका एग्जांपल हो गया 1, 2, 3, 4, जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हैं इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा देख लीजिए, आपका होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएँ जिन्हें हम होल नंबर बोलते हैं। जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम होल नंबर अथवा पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जीरो सहित 1, 2, 3, 4, 5, जीरो सहित यानी जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपका आता है तीसरा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं जीरो सहित, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे आपका जीरो, जीरो से आगे आपका 1, 2, 3, 4, 5 धनात्मक संख्याएं होंगे, और जीरो से पहले आपका -1, -2, -3 ऋणात्मक संख्याएं होंगे। इसमें जीरो से पहले जो होता है इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, और जीरो से आगे जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और न ही निगेटिव इंटीजर्स है। तो आपका हो गया प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक हो गया। इसके बाद क्लास टेंथ लेवल में आप पढ़ेंगे इसके बाद आप पढ़ेंगे चौथा पॉइंट वास्तविक संख्याएं। जिनको हम रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सारे सम्मिलित होते हैं उनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ये दो भागों में बढ़ जाता है आपका। फर्स्ट आपका हो जाता है परिमेय संख्याएं, और सेकेंड टर्म इसका होता है अपरिमेय संख्याएं। इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का दो भाग हो जाता है। परिमेय संख्याएं किन्हें किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं इनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका हो गया पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √15 हो गया, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याओं में जैसे 2/7, 3/7, 5/7, 8/2, 3/5, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं।